सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बड़ी यूट्यूब चैनल राज टेक जोन। गाइस, मैं आपका दोस्त मुर्शिद राज वापस आ गया काइन मास्टर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्यूशन का दूसरा वीडियो लेकर। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप सभी को बताया था कि अगर आपके काइन मास्टर में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, मैं वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने बहुत सारे लोगों को लिंक भी दिया और बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे थे जिनका प्रॉब्लम अब भी सॉल्व नहीं हुआ, तो उन्हीं के लिए स्पेशल वीडियो है। तो अगर आपके भी काइन मास्टर में ये प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे आके जरूर मैसेज करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि काइन मास्टर इंस्टॉल करने के बाद वाटरमार्क तो हट जा रहा था, बट जैसे ही एडिटिंग के लिए जाता है ना तो वहाँ मीडिया का ऑप्शन नहीं आ रहा था, सिर्फ इमेज का ऑप्शन मिल रहा था। तो उस इमेज के जगह पे मीडिया लाने के लिए आपको क्या करना होगा वही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और आपका मीडिया का ऑप्शन भी आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। सो गाइस, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपसे कि यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं और आपको बताते हैं कि मीडिया का ऑप्शन लाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ करना होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट काइन मास्टर पे ले जाकर और लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। काइन मास्टर आने के बाद यहाँ प्लस का आइकन, इस पर क्लिक करते हैं, कुछ रेशियो को हम ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ मीडिया पे क्लिक करके और किसी बैकग्राउंड को ले लेते हैं ताकि उसके ऊपर लेयर लेंगे तो देखते हैं मीडिया आता है या नहीं। बैकग्राउंड ले लिया, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर ओके करके लेयर वाले ऑप्शन पे देखो जैसे ही क्लिक किया तो ऊपर में इमेज का ही सिर्फ ऑप्शन आ रहा है, मीडिया का नहीं आ रहा है। मीडिया ऑप्शन लाने के लिए आपको एक बार बैक करना है और फिर से एक बार आपको बैक करना है और एक बार फिर से बैक करना है, यानी कि काइन मास्टर के इस मेन मेन्यू पे आना है। तो यहाँ पे एक सेटिंग का आपको आइकन नज़र आ रहा होगा गियर वाला, इस पर क्लिक करना है। डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन है थर्ड नंबर पे, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं है, नोट सपोर्टेड लिखा रहा है, जिसका भी नोट सपोर्टेड लिखा है उसको नहीं मिलेगा। तो ऊपर में थ्री डॉट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है, रन एनालिसिस नाउ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे रन एनालिसिस नाउ कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक प्रोसेसिंग चलेगा, ये प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस बीच आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपल सा प्रोसेसिंग होने देना है, कुछ भी नहीं आपको करना है अपनी तरफ से। अगर आप बैक करते हो या काइन मास्टर को ऑफ कर देते हो तो फिर ये काइन मास्टर आपका क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा देर वेट करना है जब तक ये पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है। और यहाँ पे जैसे कि लिखा भी हुआ है, प्लीज़ डू नॉट टर्न ऑफ काइन मास्टर और स्विच टू अनदर ऐप व्हाइल द एनालिसिस इज प्रोग्रेस। और देखो जैसे ही काइन मास्टर का ये जो है प्रोसेसिंग कम्प्लीट हो जाता है और उसके बाद आपको सिंपली ओके कर देना है। तो जैसा कि मेरा यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोग्रेस में था और ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे कितना लेयर मिला है, और उसके बाद आप फिर बैक करके फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके किसी बैकग्राउंड को ले लेते हैं, और इस बार जैसे लेयर पे क्लिक करते देखो मीडिया का ऑप्शन आ चुका है। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो, कैसा लगा आपको? आई होप कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आप इस तरह से करोगे। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो यार, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट किए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो आएगी वो आपसे मिस ना हो सकेगी। सो गाइज, फिर मिलते हैं इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।